All right, so before we move on to group practice, just a few questions. के हम किन क्वेश्चंस के अंदर साइंस को चेंज करते हैं? अली पटेल में कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस को. ओके, एंड ऑल्सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नूर अली के अगर एक टर्म में वेरिएबल हो और दूसरे में ना हो तो हम उसको किसके नीचे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर एल था और यहां पर नहीं है, सो हाउ डू वी राइट दैट? Who will help Noor Ali? Yes, Fatma? उसको साइड पे लिखना है, ठीक है? हमेशा लाइक वेरिएबल्स को आपस में लिखना है. एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन सी टर्म ऊपर आती है, जो सर ने भी आपके गलत लिखी थी. हिफ्जा, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम कौन सी टर्म को ऊपर लिखते हैं एंड कौन सी टर्म को नीचे लिखते हैं? Who will help हिफ्जा? रुकैया, यस. सो इन सब्ट्रैक्शन हम कौन सी टर्म को ऊपर लिखते हैं? यस सर, जो फ्रॉम के बाद, जो फ्रॉम के बाद है. फ्रॉम का मतलब में से, इस में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो जो फ्रॉम के बाद आती है उसको ऊपर लिखना है एंड जो फ्रॉम से पहले है उसको नीचे लिखना है. ओके, नाउ क्विकली मेक ग्रुप्स. नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस 2b प्लस 2c. आई राइट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम टॉप एंड 2a प्लस 2b प्लस 2c लो एंड चेंज द साइन. क्यों गलत है? रेज योर हैंड. यस अरसलान, यस. सो जिस चीज से हमने क्लास स्टार्ट की थी दैट यू हैव टू राइट द टर्म विच इज आफ्टरवर्ड्स, वो पहले लिखनी है. सो 2a प्लस 2b प्लस 2c कम्स अबव एंड a प्लस b प्लस c कम्स बिलो. यू चेंज द साइंस एंड देन यू सॉल्व इट. दैट्स करेक्ट. ओके, अच्छा आपने अपने अपनी क्लासरूम के अंदर आइसक्रीम स्टिक्स का यूज किया था, व्हाई डिड यू डू दैट एंड व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, हाउ इज दैट हेल्पफुल? सो इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज़ व्हेनेवर यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो अभी आपने रिसेंटली पढ़ाया उसके अंदर जरूरी ये है कि आप बार बार उन्हीं स्टूडेंट से ना पूछें जो यू नो यू सबकॉन्शियसली आस्क टेंड टू आस्क. सो द आइसक्रीम स्टिक्स रियली हेल्प टू यू नो रैंडमाइज द सैम्पल दैट यू हैव. सो उसके अंदर किसी का भी नाम आप निकाल सकते हैं. मैंने पर्टिकुलरली अपनी आइसक्रीम स्टिक्स के अंदर मार्किंग भी की हुई है. सो देर आर फ्यू मार्किंग्स जो कि स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं. सो वैन आई टेक आउट माई आइसक्रीम स्टिक आई नो वट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क. सो जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं आई विल आस्क देम अ सिंपलर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम एसएलओ. बट जो स्टूडेंट्स हैं जो हु आर अ बिट शार्प देन अदर्स, सो उनसे मैं थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करता हूँ. सो दैट रियली हेल्प रैंडमाइज द क्लास अ बिट मोर बेटर. अच्छा, सो यू सॉल्वड अ क्वेश्चन इनकरेक्टली ऑन पर्पस, व्हाई डिड यू डू दैट? कैन यू टॉक मोर अबाउट दैट? सो बट उससे आई टेंड टू डू दैट एट द एंड ऑफ माय क्लास. उससे होता यह है कि मुझे क्लियर हो जाता है द कॉन्सेप्ट दैट आई जस्ट टॉट वेदर दे अंडरस्टूड इट और नॉट. सो अगर यू नो इट्स अ रैंडम गैस, ऑफकोर्स जो प्रॉपर डेटा है वो तो जो एग्जिट टिकट है उससे आता है, बट एक रैंडम गैस लेने के लिए जस्ट टू गेट अ फील कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि फ्रॉम जो चीज़ है उसको ऊपर लिखना है एंड जो दूसरी चीज़ है उसको नीचे लिखना है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर ये स्टूडेंट्स को नहीं आता देन दे विल कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस रॉन्ग इवन इफ दे फॉलो द स्टेप्स. सो ये एक बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि उनको प्रॉपरली आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई डू इट ऑन पर्पस जस्ट टू लेट नो के वेदर दे अंडरस्टूड इट और नॉट. एंड एट द सेम टाइम इट रियली बिल्ड्स अ क्लासरूम कल्चर ऑफ आस्किंग द टीचर एज वेल एंड एट द सेम टाइम रियलाइजिंग कि द टीचर कैन मेक अ मिस्टेक एज वेल. सो ये दोनों चीज़ें इसमें कवर हो रही होती हैं.